तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं प्रवीण शाही आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों हम BHU के BFA 2014 के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे और मैं हर एक क्वेश्चन का जितना भी पॉसिबल हो सकेगा उतना पिक्चर्स उतना फोटोज़ दिखा के आपको हर क्वेश्चन को याद कराने की कोशिश करूँगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ने और सुनने के बाद अगर आप उस क्वेश्चन के आंसर्स जो भी उससे रिलेटेड पेंटिंग्स या जो भी उससे रिलेटेड जो आर्टिस्ट या फिर जो भी वहाँ स्थान है उसको अगर आप अच्छे से एक बार देख लेंगे तो हो सकता है वो आपके दिमाग में और भी ज़्यादा दिनों तक अच्छे से बना रहेगा, जो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आपको फ़ोटो प्रोवाइड करने की। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों एक बात और बता दूं, जितने भी BHU के एंट्रेंस एग्जाम BFA के लिए देखा गया है उसमें अक्सर करके देखा गया है कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो जितना क्वेश्चन पेपर आप याद कर सके प्रीवियस ईयर से आप उसको याद कर लें। बात करें इस वाले क्वेश्चन यानी कि 2014 वाले क्वेश्चन पेपर की, तो इसमें टोटल आपके पास 60 मिनट का टाइम था। टोटल आपके पास प्रश्नों की संख्या जो है 50 क्वेश्चंस थे और 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था, जिसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क दिया जाता था। एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक नंबर काट लिया जाता है, यानी कि माइनस मार्किंग में एक नंबर आपका माइनस मार्किंग के लिए था। बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले नंबर का दोस्तों क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक सम्मिलित थे। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो दोस्तों तानसेन है। ये तानसेन, इनको आपने कई बार फिल्मों में या तो फिर धारावाहिक सीरियल्स वेब सीरीज में भी शायद आपने सुना होगा तानसेन के बारे में। ये काफ़ी फेमस माने जाते थे, ये अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ वाराणसी में दिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया तो किसके लिए प्रारंभ किया? अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, विदेशी सामानों को बहिष्कार के हेतु, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो इसमें राइट आंसर है दो, आंसर नंबर 2 नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी ने जी दांडी मार्च प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा की रचना किसने की? तो इसकी जो रचनाकार हैं वो हैं सर मोहम्मद इकबाल। सर मोहम्मद इकबाल ने प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा की रचना करी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वनस्थली विद्यापीठ मुख्यतः किस क्षेत्र में एक सफल प्रयोग के रूप में जाना जाता है? तो वनस्थली विद्यापीठ जो है दोस्तों वो स्त्री शिक्षा, याद रखिएगा, ये गर्ल्स कॉलेज है। तो इस वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और टेली कॉन्फ्रेंसिंग सबसे अधिक उपयुक्त है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग सबसे अधिक उपयुक्त है दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें आमने सामने शिक्षण में, दूरस्थ अधिनिगम में, डिस्टेंस लर्निंग, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है दोस्तों, तो इसका मैं आंसर नहीं देना चाहता आपको। अगर आपके पास इसका अगर आप श्योर होंगे तो थोड़ा सा आंसर हमको बता दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों याद रखिएगा कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा गर्म रंग होता है? काला, नीला, पीला, लाल, इन सब में सबसे गर्म रंग है लाल, याद रखिएगा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फोटोग्राफी पेपर किस रंग के प्रकाश से प्रभावित होता है? तो फोटोग्राफी पेपर जो है किस रंग के प्रकाश से प्रभावित होता है, तो वो होता है सफ़ेद प्रकाश से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, खजुराहो के विख्यात मंदिर इस प्रांत में हैं, किस प्रांत में है दोस्तों? मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में खजुराहो के प्रसिद्ध टेम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, स्टोन में इम्प्रेशन लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्टोन में इम्प्रेशन लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्लानोग्राफी, क्या कहा जाता है? प्लानोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, वुड ब्लॉक से प्रथम पुस्तक कहाँ छपी थी? तो वुड ब्लॉक से प्रथम पुस्तक जो है वो चीन में छपी थी, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, चीन में छपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, मल्टीमीडिया क्या है? वाटर तथा ऑयल मिक्स्ड। देखिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। अगर दृश्य कला में मल्टीमीडिया अगर पूछा जाए तो आपके पास यहाँ पे वाटर तथा ऑयल कलर का मिक्स मीडिया या फिर किसी भी जो रंग होते हैं विजुअल आर्ट्स में उन कलर को मिक्स मीडिया, जैसे कि उसको स्केचिंग और पोस्टर, वाटर कलर, ऑयल कलर, कई तरह का मिक्स करके उसको बनाया जाए तो उसको मल्टीमीडिया बोलते हैं। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर वाली शैली में मल्टीमीडिया पूछा जाए तो यहाँ पे विजुअल तथा साउंड होगा। तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर विजुअल तथा साउंड होगा
होगा मेरे ख्याल से, यही होना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है दोस्तों, अशोक लायन कैपिटल सारनाथ से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उस शहर का नाम बताइए जहाँ ललित कला अकादमी ने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा लखनऊ, आंसर नंबर दूसरा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, एलिफेंटा प्रसिद्ध है, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलिफेंटा पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, एलिफेंटा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्तियाँ एक ही धड़ में मतलब बनाया गया है, उसलिए प्रसिद्ध है। एलिफेंट के नाम पे इस गुफा का नाम है, इसलिए हाथी से प्रसिद्ध होगा ऐसा आप मत सोचिएगा, त्रिमूर्ति के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सांची स्तूप एक नगर के पास स्थित है, सांची स्तूप किस एक नगर के पास स्थित है? तो सांची स्तूप जो है वो भोपाल यानी कि भोपाल में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश साइड है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल कला शैली निम्न तकनीकी से जानी जाती है। तो बंगाल कला शैली, अगर आप BFA की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि ये वॉश टेक्निक के लिए काफ़ी फेमस है, जो कि हर बार क्वेश्चन लगभग रिपीट किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो निफ्ट दोस्तों किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, ये है फैशन तकनीकी में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, किसी पुस्तक को छापने के पहले तैयार की जाती है? तो क्या तैयार की जाती है दोस्तों? उसका डमी तैयार किया जाता है, याद रखिएगा, डमी, रफ लेआउट, छायाचित्र, फाइनल लेआउट। सॉरी, इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मुझे लग रहा है दोस्तों इसमें रफ लेआउट तय किया जाएगा, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले उसका रफ लेआउट तैयार किया जाता है, किसी भी पुस्तक को भी शायद रफ लेआउट ही इसका ऑप्शन सही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन जहाँ तक है यही सही होना चाहिए। वैसे अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, होर्डिंग का साइज़ अधिकतम आकार क्या होता है? होर्डिंग के साइज़ का अधिकतम आकार क्या होता है? तो होर्डिंग के साइज़ का अधिकतम जो आकार है वो होता है 20x60। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पोस्टर जो होता है होर्डिंग से बड़ा होता है कि छोटा होता है, एक बराबर होता है? तो पोस्टर जो होता है वो होर्डिंग से छोटा होता है, आंसर नंबर 3। जो होर्डिंग्स होते हैं दोस्तों, पोस्टर ही होता है एक्चुअली, पोस्टर का बड़ा रूप जो होता है उसको होर्डिंग बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, साइज ऑफ प्रेस एड का आकार दर्शाया जाता है। प्रेस एड का आकार किससे दर्शाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रेस एड का आकार कॉलम में दर्शाया जाता है, कॉलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पोस्टर का प्रथम डिजाइनर था, तो पोस्टर का जो प्रथम डिजाइनर था, लियोनार्डो दा विंची, चैरेट, रफेल, रेम्ब्रा, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर दूसरा चैरेट, पोस्टर का प्रथम डिजाइनर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, रेडियो विज्ञापन जिसमें गाने और संगीत का प्रयोग है कहलाता है, तो जिंगल्स कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा, आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विख्यात सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर बना है? तो विख्यात सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा भुवनेश्वर में बना है, याद रखिएगा, उड़ीसा भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्यकला संकाय के प्रथम अधिवक्ता कौन थे? तो प्रथम अधिवक्ता जो थे दोस्तों वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्यकला संकाय के प्रथम अधिवक्ता कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर है KS कुलकर्णी, यानी कि दूसरा KS कुलकर्णी। काशी एक इंच में रहता है, 12.45 पॉइंट 80 पॉइंट 72 पॉइंट, उसका राइट आंसर है 72 यानी कि 72 पॉइंट, एक इंच में 72 पॉइंट। ये अप्लाइड आर्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसको भी अच्छे से, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अक्सर करके रिपीट किया जाता है और काफ़ी बार ये रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सिल्क स्क्रीन बनाने में कपड़े का प्रयोग होता है, तो सिल्क स्क्रीन बनाने में किस तरह के कपड़े का प्रयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर है बोल्टिंग क्लॉथ, कैसा? पोल्टिंग क्लॉथ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, लेजर प्रेस छपाई पद्धति क्या है? तो लेजर प्रेस जो छपाई होती है उसकी पद्धति जो है वो है रिलीफ, उसको क्या बोला जाता है? रिलीफ पद्धति होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कबीरदास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो कबीरदास ने अपना निर्वाण जो है मगहर में प्राप्त किया, याद रखिएगा, मगहर में प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर है कुशीनगर में प्राप्त किया, कुशीनगर UP उत्तर प्रदेश में किया। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 33, आर के लक्ष्मण कौन थे, आर के लक्ष्मण क्या थे, मतलब एक व्यंग चित्रकार यानी कि कार्टूनिस्ट थे, इसको भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत में कलर टेलीविज़न का प्रसारण कब शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1982 में, इसको आप गूगल करके देखेंगे तो 1982 ही दिखेगा आपको, तो 1982 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 35, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, आप सभी को पता होगा 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुबनी लोक चित्र किस राज्य के हैं, तो मधुबनी लोक चित्र किस राज्य में सबसे ज़्यादा फेमस है दोस्तों, तो वो है बिहार में, बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस है मधुबनी लोक चित्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अशोक स्तंभ किससे बने थे, तो अशोक स्तंभ जो है वो मटेरियल मतलब किस मटेरियल का बना हुआ था, तो चुनार सैंडस्टोन से अशोक स्तंभ बने थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जातक कथाएं क्या है, तो याद रखिएगा कि जो जातक कथाएं हैं वो भगवान बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं हैं, भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, उनके पुनर्जन्मों की कथाएं उसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है, तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में स्थित है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अच्छा संयोजन सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी चित्र के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित होता है, अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं वो बौद्ध काल से संबंधित, बौद्ध मूर्तियाँ उसमें ढेर सारी, बौद्ध से संबंधित वो मूर्तियाँ उसमें बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 याद रखिएगा 42, इन चारों में से कौन प्लास्टिक मूर्तिकला की सामग्री नहीं है, तो इसमें चारों में से जो प्लास्टिक मूर्तिकला की सामग्री है वो है मरकरी, इसमें से नहीं है, याद रखिएगा मरकरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, तो पोंगल जो है दोस्तों वो किस राज्य का चर्चित पर्व है, तो वो है तमिलनाडु का चर्चित पर्व है पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, वंदे मातरम किसने लिखा है, तो वंदे मातरम बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा है, याद रखिएगा बंकिम चंद चटर्जी, आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मूवेल टाइप किसके द्वारा आविष्कार हुआ, तो मूवेल टाइप जो है वो जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा आविष्कार हुआ इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, फ्लॉपी डिस्क का कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में क्या काम होता है, आंकड़ों का संकलन करना, कार्य करने वाले यंत्र, छापने वाले यंत्र, इनमें से कोई नहीं, तो आंकड़ों का संकलन करना इसका राइट आंसर होगा, फ्लॉपी डिस्क क्या काम करता है, आंकड़ों का संकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, राजा रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ स्थित है, तो राजा रवि वर्मा का चित्र सबसे बड़ा संग्रह कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद, राजा रवि वर्मा का चित्र जो है सबसे बड़ा संग्रह सलारगंज हैदराबाद। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, पोस्टर का प्रारंभिक नाम क्या है, तो पोस्टर को प्रारंभिक नामों से अगर बात किया जाए तो बिलबोर्ड, पोस्टर का प्रारंभिक नाम बिलबोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, मूल रंग कौन सा है, भूरा, नीला, हरा, नारंगी, चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, तो इसमें से जो नीला है वो मूल रंग यानी कि प्राइमरी कलर है, ये भी आपको शायद पता ही होगा, आई होप आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कागज़ के कतरनों से बनाया जाने वाला चित्र को क्या कहा जाता है, तो कागज़ के कतरनों से बनाया जाने वाले चित्र को कोला चित्र कहा जाता है, आई होप कि आप सभी को ये पता होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, ये था दोस्तों क्वेश्चन BFA BHU के एंट्रेंस एग्जाम 2014 का पेपर, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा और नॉलेजबल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।